दानियल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 9। दानियल अध्याय 9। मादी क्षयर्ष का पुत्र दारा, जो कसदियों के देश पर राजा ठहराया गया था, उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कितने वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया कि हे प्रभु, तू महान और भययोग्य परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता और करुणा करता रहता है। हम लोगों ने तो पाप, कुटिलता, दुष्टता और बलवा किया है और तेरी आज्ञाओं और नियमों को तोड़ दिया है, और तेरे जो दास नबी लोग हमारे राजाओं, हकीमों, पूर्वजों और सब साधारण लोगों से तेरे नाम से बातें करते थे, उनकी हमने नहीं सुनी। हे प्रभु, तू धर्मी है और हम लोगों को आज के दिन लज्जित होना पड़ता है, अर्थात यरूशलेम के निवासी आदि सब यहूदी, वरन क्या समीप क्या दूर के सब इसराइली लोग, जिन्हें तूने उस विश्वासघात के कारण जो उन्होंने तेरा किया था देश देश में बरबस कर दिया है, उन सबों को लज्जित होना ही है। हे यहोवा, हम लोगों ने जो अपने राजाओं, हकीमों और पूर्वजों समेत तेरे विरुद्ध पाप किया है, इस कारण हमको लज्जित होना पड़ता है। परंतु यद्यपि हम अपने परमेश्वर प्रभु से फिर गए, तो भी वह दया सागर और क्षमा की खानी है। हम तो अपने परमेश्वर यहोवा की शिक्षा सुनने पर भी, जो उसने अपने दास नबियों से हमको सुनवा दी, उस पर नहीं चले, वरन सब इसराइलियों ने भी तेरी व्यवस्था का उल्लंघन किया और ऐसे हट गए कि तेरी नहीं सुनी। इस कारण जिस शाप की चर्चा परमेश्वर के दास मूसा की व्यवस्था में लिखी हुई है, वह शाप हम पर घट गया, क्योंकि हमने उसके विरुद्ध पाप किया है। इसलिए उसने हमारे और न्यायियों के विषय जो वचन कहे थे, उन्हें हम पर यह बड़ी विपत्ति डालकर पूरा किया है, यहां तक कि जैसी विपत्ति यरूशलेम पर पड़ी है, वैसी सारी धरती पर और कहीं नहीं पड़ी। जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है, वैसा ही यह सारी विपत्ति हम पर आ पड़ी है। तो भी हम अपने परमेश्वर यहोवा को मनाने के लिए न तो अपने अधर्म के कामों से फिरे और न तो तेरी सत्य बातों में प्रवीणता प्राप्त की। इस कारण यहोवा ने सोच विचार कर हम पर विपत्ति डाली है, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा जितने काम करता है उन सबों में धर्मी ठहरता है, परंतु हमने उसकी नहीं सुनी। और अब हे परमेश्वर, हे प्रभु, तूने तो अपनी प्रजा को मिस्र देश से बलि हाथ के द्वारा निकाल लाकर अपना ऐसा नाम बड़ा किया जो आज तक प्रसिद्ध है, परंतु हमने पाप किया है और दुष्टता की है। हे प्रभु, हमारे पापों और हमारे पुरखाओं के अधर्म के कामों के कारण तो यरूशलेम की और तेरी प्रजा की, हमारे आसपास के सब लोगों की ओर से नामधराई हो रही है, तो भी तू अपने सब धर्म के कामों के कारण अपना क्रोध और जलजलाहट अपने नगर यरूशलेम पर से, जो तेरे पवित्र पर्वत पर बसा है, उतार दे। हे हमारे परमेश्वर, अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनकर अपने उजड़े हुए पवित्र स्थान पर अपने मुख का प्रकाश चमका। हे प्रभु, अपने नाम के निमित्त यह कर। हे मेरे परमेश्वर, कान लगाकर सुन, आंखें खोलकर हमारी उजड़ी हुई दशा और उस नगर को भी देख जो तेरा कहलाता है, क्योंकि हम जो तेरे सामने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करते हैं, तो अपने धर्म के कामों पर नहीं, वरन तेरी बड़ी दया ही के कामों पर भरोसा रखकर करते हैं। हे प्रभु, सुन ले। हे प्रभु, पाप क्षमा कर। हे प्रभु, ध्यान देकर जो करता है, जो करना है उसे कर, विलंब न कर। हे मेरे परमेश्वर,
तेरा नगर और तेरी प्रजा जो तेरी कहलाती है, इसलिए अपने नाम के निमित्त ही ऐसा कर। इस प्रकार मैं प्रार्थना करता और अपने इस्राएली जात भाइयों के पाप का अंगीकार करता और अपने परमेश्वर यहोवा के सन्मुख उसके पवित्र पर्वत के लिए गिड़गिड़ाकर विनती करता ही था कि वह पुरुष जिब्राल जिसे मैंने उस समय देखा था जब मुझे पहले दर्शन हुआ, उसने वेग से उड़ने की आज्ञा पाकर सांझ के अन्न बलि के समय मुझको छू लिया और मुझे समझाकर मेरे साथ बातें करने लगा और कहा, हे दानियल, मैं अभी तुझे बुद्धि और प्रवीणता देने को निकल आया हूं। जब तू गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा तब ही इसकी आज्ञा निकली, इसलिए मैं तुझे समझाने को आया हूं, क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है। इसलिए उस विषय को समझ ले और दर्शन की बात का अर्थ बूझ ले। तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए और युग युग की धार्मिकता प्रकट हो और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। सो यह जान और समझ ले कि यरूशलेम के फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा और उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष नाश किया जाएगा और उसके हाथ कुछ न लगेगा और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नाश तो करेगी, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसा बाढ़ से होता है, तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठाना गया है और वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देगी और निश्चय से ठनी हुई समाप्ति के होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा।